पता नहीं क्यों लाखों का सामान व्यापार स्थल पर रखने के बाद भी, दुकान में माल इतना लाखों रुपए का भरने के बाद भी व्यापार जो है वो ठप हो चुका है। ऐसा लगता है कि हम पर किसी ने कुछ कर दिया हो या मेरे व्यापार पर किसी ने कर दिया हो। तो ये सारी चीजों को लेकर हम चिंतित रहते हैं और हमेशा हमें ये डर रहता है कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा, हम इतना कर्जा जो लिया है, ये सामान जो भरा है, ये हम इसका कैसे इसका निवारण करेंगे। तो आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, आपके ऊपर किसी ने किया भी होगा तो वो भी सही हो जाएगा। और हमें हमारे व्यापार स्थल को हमेशा शुद्धिकरण में रखना चाहिए। सुबह दिया धूप करनी चाहिए, गंगा जल के छींटे अवश्य लगाने चाहिए, ताकि कोई हम पर ऐसा कुछ करता है तो वो भी हमें असर नहीं करेगा, हमारे व्यापार स्थल पर कोई असर नहीं करेगा और हमारे गिरागी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमें ये कार्य अवश्य करना चाहिए। हमें कार्य क्या करना है, मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर की दो तिलक, एक कटोरी में सिंदूर चढ़ा हुआ सिंदूर लाना है। दुकान के दोनों तरफ जहां पर दुकान के शटर लगे होते हैं, जहां पर लॉक लगाते हैं, उसके थोड़ा सा ऊपर वहां पर हमें वो सिंदूर की टीकी लगा देनी है। और ये कार्य हर मंगलवार को आपको अवश्य करना चाहिए। इतना कार्य करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि हमारे व्यापार को किसी ने बांध दिया है तो वो भी खुल जाएगा, कोई हम पर बुरी नजर डाले बैठा है तो वो भी सब ठीक हो जाएगा, और ग्राहक आते हैं मगर कुछ खरीदते नहीं है तो उस पर भी अच्छा प्रभाव आपको देखने मिलेगा। ये छोटा सा उपाय है, अचूक उपाय है, ये आपको अवश्य करना चाहिए। फिर से हम दोहराते हैं कि हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाना है, हनुमान जी को चढ़ा हुआ सिंदूर आपको लाना है, और जहां पर तुम ताला लगाते हो दुकान के वहां पर, तो दोनों साइड में उसकी तिलक लगानी है। ये आपको हर मंगलवार को करना है। पहला मंगलवार आप करके देखिए, आपको इतना फायदा दिखेगा कि आप हर मंगलवार को आप ये कार्य करना शुरू कर देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।